रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे सारांश। अपना व्हाट्सएप दिखाओ। व्हाट्सएप काफी इनबॉक्स भरा। उन्होंने थोड़ा सा रूडली मुझे कहा था कि तू जिंदगी में तेरे वॉइस ओवर सुधार ले, वरना कुछ उन्होंने और अब्यूसिव वर्ड यूज किया था कि औकात नहीं बेटा तेरी कि तू आरजे बन जाएगा। जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपने बहुत बार कमेंट करके मुझे बोला कि जो आरजे प्रोफेशन होता है उसको आप बहुत करीब से जानना चाहते हैं कि कैसे आरजे बन सकते हैं, आरजे एक्चुअली करते क्या हैं और कैसे सक्सेसफुल करियर बन सकता है, इसमें कमाई कितनी है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने चैलेंजेस हैं, कितने कॉम्पिटिशन है, यही सब बताएंगे। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मेरे साथ हैं सारांश, आरजे सारांश, लखनऊ से जुड़े हैं। डिजिटली वर्ल्ड में ये फायदा हो गया कि अब हम कहीं से भी जो भी कलाकार हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। वेलकम सारांश, वेलकम टू जॉइंट फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊँ। ओके, बहुत सारे लोग बचपन से चाहते हैं कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगे, उनके नाम के आगे इंस्पेक्टर लगे, उनके नाम के आगे लॉयर लगे। ये आपने कब तय किया कि मेरे नाम के आगे आरजे लगना चाहिए? मैंने तय तो ये किया था कि पहले नाम के आगे सीए लगेगा और मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने अपना पहले एक एग्जाम में फेल हुआ, देन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार फिर दिया और फिर मैंने एग्जाम क्लियर किया। पर क्लियर करने के बाद जब मैं अपना इंटरमीडिएट दे रहा था तो उस दौरान मुझे एक टीवी एंकर से मुलाकात करने का मौका मिला और पता नहीं उन्हें क्या मेरे अंदर बात लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कुछ स्टेज शोज हैं तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो तू कर लेगा क्या? मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने एंकरिंग शोज लेना शुरू कर दिए। पर एक रात मैं इवेंट करके एक सिटी से लौटा, अपने घर आ गया था रात को, वैसे मैं आता नहीं यूजुअली, मैं ड्राइव करके वापस घर आ गया और मैंने सोचा कि जिंदगी में आगे क्या करना है, क्या इसी तरह जिंदगी चलानी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो चल रहा था, मुझे लगा, रियलाइज हुआ कि बॉस इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और इतना पेशेंस तेरे अंदर तो नहीं है। तब शायद वो रियलिटी चेक मिल गया था मुझे। मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ और चीजें सॉर्ट करता हूँ, बट मुझे पता था कि सपोर्ट शायद उतना ना मिले। किसी का भी बेटा जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पास हो रहा है वो बोलेगा कि मेरे को ये छोड़ के मीडिया एंटरटेनमेंट करना है, कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। तो दैट व्हाट हैपेंड विद मी इनिशियली। तो सुबह की ट्रेन थी और मैं घर से चला गया। मैंने 3 महीने तक सिर्फ इंटर्नशिप ढूंढी, मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, तो 3 महीने बाद मुझे इंटर्नशिप मिली। उसके बाद मैंने 1 साल और 3 महीना इंटर्नशिप की है सिर्फ, उसमें बहुत कुछ सीखा। शायद मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं जल्दी आरजे नहीं बना, क्योंकि उस दौरान जो जो सीखा है वो आज दिन तक मेरे काम आ रहा है। तो तब वो 1 साल 3 महीने का सफर रहा। उसके बाद मैं 2-3 महीने जॉबलेस था, मतलब इंटरव्यूज दे रहा था, यहाँ पे इंटरव्यू, वहां पे इंटरव्यू, ऑडिशन देने जाना, कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी बनारस, कभी दिल्ली, तो यही सब चल रहा था, भारत भ्रमण चल रहा था मेरा। फिर पापा ने भी कह दिया था कि ठीक है, अब तुम्हें यही करना है तो कर लो, ठीक है। एंड नाउ ही इज वेरी प्राउड ऑन मी कि एक छोटे से शहर से मेरा बेटा एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन का आरजे, तो ही इज नाउ वेरी प्राउड और सब लोगों को लगता है कि कुछ अलग ही कर दिखाया है इसने। स्कूल टाइम पे भी मैं ऐसा था कि बड़ा नॉटी वाला बच्चा था, स्पोर्ट्स में रहना, क्रिकेट मैंने खेला, नेशनल लेवल के कैंप्स किए हैं, बास्केटबॉल मैंने खेला है, तो पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना था, था नहीं। तो जब मैंने सीए ऑप्ट किया तो दोस्तों ने कहा रहे तू फेल हो जाएगा, मैंने कहा देखते हैं। 12th में भी 65% आए थे, ज्यादा नहीं, मैं उतना ही लिखता था, मुझे पता था कि भाई एक सरकारी एग्जाम में बैठने के लिए आपको 60-65% चाहिए होते हैं, तो मैं एग्जाम में उतना ही लिख के आता था कैलकुलेटेडली। सो वो एक था, आलस आ जाता था लिखते लिखते, तो वो नॉटीपन था मेरे अंदर शुरू से। स्कूल के प्रिंसिपल बड़े अच्छे थे, उन्होंने बहुत मेरे पीछे वो डंडा लेके पड़े रहे एक तरह से, और कभी भी कोई डिबेट होता था तो वो कहते थे सारांश यू कम ऑन द स्टेज, मैंने कहा मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, तो बोलते थे नहीं तुम आ जाओ, मैंने कहा क्यों? तो वो एक था कि स्टेज फियर मुझे कभी फील हुआ ही नहीं बचपन से, क्योंकि वो कहते हैं ना एक जो बीज बोते हैं वो बीज मेरा वैसा ही पड़ा कि स्टेज फियर कभी रहा ही नहीं। कभी भी आप बुला लो, क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो सारांश को बुला लो, सारांश तू बता दे,
सारांश बोलेगा तो आई एम ऑलवेज रेडी. हाँ ठीक है, मैं नींद में एक बार सो रहा था मुझे याद है, और मैम ने पूछा कि सारांश इस बारे में बताओ, एक्सप्लेन करो. मैं खड़ा हुआ, मैंने एक्सप्लेन करा और मैं वापस हेड डाउन करके सो गया. तैयारी तो चली रही थी अनजाने में से. अनजाने में एक छोटे शहर से होने की दिक्कत ये होती है कि बॉस आपको पता नहीं होता कि जिंदगी में ऐसे काम भी होते हैं. अभी भी मैं ऐसे ऐसी चीजों को देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि भाई ये भी चीज होती है, ये भी चीज होती है, इसके पैसे मिलते हैं, इस काम के पैसे मिलते हैं, ऐसा लगता है देख के. सो वो एक चीज है. आरजे जब हम बनते हैं, मतलब रेडियो जॉकी जो एक नया टर्म हुआ, रेडियो एक तरह से जब रिवाइव हुआ, क्योंकि धीरे धीरे रेडियो नीचे जा रहा था, लेकिन जब से प्राइवेट एफएम चैनल आए तो इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी. उससे पहले रेडियो को बोलते थे रेडियो अनाउंसर, और वो बड़े टिपिकल स्टाइल में उसको करते थे. हाँ तो भाई और बहनों वाला चलता था, या बिल्कुल ये खत भेजा है इन्होंने यहाँ से. लेकिन जब से एक प्राइवेट इसमें ऑर्गेनाइजेशन आई और एक एंटरटेनमेंट की तरह आरजे का काम एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट वाला हो गया, इंटरेक्शन वाला हो गया, तो इसको एडप्ट करने के लिए आप कैसे इंस्पायर होते हैं और कहां से कंटेंट लाते हैं? इससे इंस्पायर होने का आजकल जो मैं बात करूं करंट ट्रेंड के ऊपर, तो दैट इज सोशल मीडिया. आज न्यूज से ज्यादा हम ट्रेंडिंग चीजें कंज्यूम करते हैं. ये वीडियो वायरल हुआ, वो न्यूज वायरल हुई, ये फोटो वायरल हुआ, वो न्यूज वायरल हुई. तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा नेटवर्क बना के रखते हैं, अच्छे दोस्त बना के रखते हैं हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी चैनल में, ताकि ये होता है कि जिसमें भी वो न्यूज कवर करिए, आप उसको कॉल करते हो कि मुझे डायरेक्टली उस बंदे का नंबर दे दो, मैं उसको रेडियो शो पे रिकॉर्ड कर लेता हूं. अब जैसे ये सुविधा हो गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली, तो हम ये भी कर लेते हैं. सेलिब्रिटीज से अप्रोच रहती है, काफी बातचीत होती है, क्योंकि उनके गाने हम प्रमोट करते हैं. जैसा मेरा शो अभी चल रहा है रेड इंडी शफल, इंडिपेंडेंट म्यूजिक को प्रमोट करता है, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से बात करने का मौका मिलता है. वहां से एक फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाती है कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में. तो वो मेंटेन करना है आपको रिलेशन, तभी वो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल आगे बन पाएगा. तो ये सारी चीजें आजकल ज्यादा उठने लगी है, ये तरीका हो गया है कॉन्टेंट जनरेट करने का. तो कंटेंट जनरेशन एक अलग नजरिए पे चला गया. पहले एक वो ऑर्थोडॉक्स चीजें हुआ करती थी कि न्यूज़पेपर उठाते थे, उसके पन्ने पलटते थे, ये खबर होती थी, वो किया करते थे. अभी कोविड के टाइम पे हमने ऑफिस में न्यूज़पेपर मना कर रखा है. एंड एक रेडियो स्टेशन के लिए न्यूज़पेपर के बिना शो करना पहले के टाइम पे काफी मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक सोर्स होता था न्यूज का. पर आज के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल मतलब महसूस ही नहीं हो रही कि न्यूज़पेपर है ही नहीं हमारी जिंदगी में. जरूरत ही नहीं. मोबाइल हो गया, बिल्कुल मोबाइल हो गया. हमारे मोबाइल में न्यूज एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन और न्यूज एप्लीकेशन, आपको यही दिखाई देंगे हमारे मोबाइल में. एक बात अच्छी निकल के आई कि आप जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको लेकर शोज बना रहे हैं, तो अगर जब आपका इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं और वो चाहें कि उसमें पार्टिसिपेट करें, तो जरा तरीका भी बता दीजिए ताकि और भी आर्टिस्ट को बेनिफिट मिल पाए. बिल्कुल, उसका एक सिंपल तरीका ये है कि रेड इंडी शफल नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, वहां पर जाएं, अपना YouTube पे अगर गाना है तो उसका लिंक वहां पर डाल दीजिए, अपना एक नोट लिखें उस गाने के बारे में कि वो गाना क्या कहना चाहता है. हर चीज की कहानी होती है, उस गाने की भी कहानी होगी, तो वो कहानी वहां पर आप छोड़ दें, या फिर मेरे पेज पे भी आप जाके मुझे भी भेज देंगे तो वो बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाएगी बात. तो आरजे सारांश रेड एफएम मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे भी आप बता सकते हैं. तो हम काफी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अभी तक फीचर कर चुके हैं अपने शो में, और टचवुड ये बहुत अच्छा चल रहा है. अभी हमें इंस्टाग्राम ने वेरीफाइड अकाउंट भी दे दिया है रेड इंडी शफल के पेज को. तो देर आर गुड न्यूज कमिंग अप. और एक ये नई चीज है, क्योंकि नए म्यूजिक को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास में इतना बजट नहीं होता कि वो अपना गाना प्रमोट कर पाए, पर उसका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है. अब आपको लकी अली नाम याद होगा, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट गाने निकाले थे उन्होंने, और वो इंडिपेंडेंट गाने आज तक हमारी जुबान पर है. ओ हो, ये गाना बाद में म्यूजिक में मूवी में लिया गया, ये एक इंडिपेंडेंट था सुबीर पाजी का गाना. वेरी गुड. इंडिपेंडेंट म्यूजिक की पावर बड़ी है, पर उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट हमने कर दिया, तो उसको उठाने की कोशिश है बस. है गया. तो मैं आपके जो भी लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं, ताकि जो भी लोग इसको कॉन्टेक्ट करना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, बिल्कुल करें. और इसी तरह से सारांश हमने भी शुरू किया है इसमें पहले कि जितने भी सिंगर्स हैं, लिरिक्स राइटर हैं, पोइट्स हैं, उनको लेकर जॉइंट फॉर्म्स म्यूजिक बैंक चैनल शुरू किया है, जिसमें कि ना सिर्फ हम उनको चांस दे रहे हैं बल्कि उनको प्रमोट भी कर रहे हैं. और पहली बार ऐसा होने जा रहा है, मैं आपके साथ इसको रिवील कर रहा हूँ, कि उनके साथ रॉयल्टी शेयर भी की जाएगी, जो कि अभी कोई म्यूजिक कंपनी नहीं कर रही है.
तो ज्वाइंट फिल्म जैसे हमेशा नए लोगों को साथ लेके चलता है, तो उसमें हम लोग पहल कर रहे हैं, तो उसमें भी आप आर्टिस्ट रहेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं सारांश ये कि अगर किसी को आरजे बनना हो तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मेरा मानना ये कि एक तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दे कि आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं बोलता हूं कि ऊपर वाले ने इंसान को ऐसा बनाया है जिसके पास में ये आवाज है जो इस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। तो भाई साहब हर इंसान की जो आवाज है ना वो अपने आप में यूनिक है। ये छोड़ दीजिए कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी आवाज की डेफिनेशन क्या है जरा बताएगा कोई मुझे? कोई डेफिनेशन नहीं है अच्छी आवाज की। तो ये दिमाग से निकाल दें पहली बात। साफ बोलना सीखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेडियो में ये है कि साफ बोलना सीखें। आप श स फ फूल को फूल बोले, फूल ना बोले, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है हिंदी और अंग्रेजी की वजह से। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी, ये सारी चीजों पे काम किया, और साफ बोलने की, मुंह खोल के बोलने की कोशिश करें, सब शब्दों को खाने की कोशिश ना करें, आराम से बोलें, जल्दी ना करें बहुत ज्यादा, फिर बाद में जब जल्दी करनी होगी तो वो उसको आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी जल्दी करने की भी। तो ये सारी चीजें मैंने जो एक हैबिट अपनाई थी अपने अंदर, मैं एज एन आरजे वॉइस ओवर भी देते हो, वॉइस ओवर जो एड में आवाज चलती है, तो मुझे एक बार वन ऑफ माय कलीग एंड अ फ्रेंड, उन्होंने थोड़ा सा रूडली मुझे कहा था कि तू जिंदगी में तेरे वॉइस ओवर सुधार ले, वरना कुछ उन्होंने और अब्यूसिव वर्ड यूज किया था कि औकात नहीं बेटा तेरी कि तू आरजे बन जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा, तो मैंने हर होर्डिंग को वॉइस ओवर देके पढ़ना शुरू कर दिया। ओह ग्रेट ग्रेट। तो कहीं पे भी कोई भी बोर्ड दिख रहा है तो मैं उसको वॉइस ओवर देके पढ़ रहा हूँ, मन में पढ़ रहा हूँ या धीरे से बोल के पढ़ रहा हूँ, वो एक एक्सरसाइज शुरू कर दी। न्यूज़पेपर तेज बोल के पढ़ना शुरू कर दिया। यार होता क्या है ना, हम बचपन में जिन चीजों से जी चुराते हैं ना, लाइफ में आगे जाके वही काम आती है। क्लास में टीचर खड़ा कर देता है, अरे बेटा रीडिंग करनी है तुमको, बच्चा वहीं पे आधा उसका मूड खराब हो जाता है कि पूरी क्लास के सामने रीडिंग करनी है, वो कर लिया ना तो आधा तो वहीं पे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। फिर आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, मैं पॉलिटिक्स छोड़ देता हूँ, बाकी सब मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस। आपको किसी भी टाइम बैंड का शो करने को दे दिया जा सकता है। कभी आप मॉर्निंग शो कर रहे होते हो जिसमें हैवी कॉन्टेंट की बात होती है, कभी आप मिड मॉर्निंग शो कर रहे होते हो उसमें बॉलीवुड की बात हो रही होती है, मेरे जैसा शो होता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात हो रही होती है जिनके बारे में गूगल पे भी कोई डेटा नहीं होता, सब देखते हैं कि फिर आप कैसे रिसर्च करते हो। तो ऐसी भी चीजें होती है कभी कभी। कभी आप इवनिंग शो कर रहे होते हो जो कि पूरा फन बेस्ड होता है, सोशल मीडिया पे बेस्ड होता है, सो आपको ना सारे फ्लेवर मिलने वाले हैं, और आपको नहीं पता कि यार आपको कौन सी चीज कंपनी कह देगी कि भाई तुम्हें ये करनी है, तो उसके लिए तैयार रहना, करंट अफेयर्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मोबाइल में नोटिफिकेशंस जो आते हैं ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। मैं तो इतना कहता हूं कि बस न्यूज ऐप्स डाल लो मोबाइल में, नोटिफिकेशन आ रहे बस सरसरी निगाह से वो न्यूज पढ़ लोगे, तुम्हें दिमाग में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रह जाएगा। क्योंकि अक्सर जब इंटरव्यू लेते हैं रेडियो में आरजे बनने के लिए, तो आप एक्सपीरियंस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप फ्रेशर होते हैं तो आपको पूरा एकदम ऐसे स्लाइस बाय स्लाइस चेक किया जाता है। तो आपको स्पोर्ट्स भी आना चाहिए। अगर आप लड़की हो और आप कहते हो कि नहीं मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ बॉलीवुड ही देखूंगी, उसके बारे में ही पढ़ूंगी, तो दैट्स नॉट फेयर। आपको हो सकता है कि क्रिकेट का शो करना पड़े, आप शाम का शो करें उसमें क्रिकेट की बात हो रही है, टी ट्वेंटी लीग चल रही है उसकी बात हो रही है, तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। तो पढ़िए जितना पॉसिबल हो सके, अपडेटेड रहिए। मैं भी कभी कभी बहुत सारी चीजें मिस कर जाता हूँ कि रात को सोए ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग है, तो उसका भाई साहब मैं 3-4 आर्टिकल पूरे पढ़ता हूँ कि ये ट्रेंडिंग हुआ कैसे, क्या चीज हुई है इसमें, कहाँ से उपज हुई है इसकी, तब तो मुझे पता पड़ेगा ना, तब तो मैं रेडियो पे बता पाऊंगा वो चीज, या फिर तब मैं किसी से डिस्कस करने लायक हूंगा। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली, बस ये मैं बोलूंगा, इतना ध्यान रखे और कुछ नहीं, आवाज बोलना ये सब हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप। अच्छा सारांश, अगर सीए बनते तो बिल्कुल एकदम टाई वाई लगा के ऑफिस जाना होता है, डेकोरम मेंटेन करना होता, ये जो एकदम कूल एकदम फनी फन वाली है और एकदम हैप्पी गोइंग वाली लाइफ मिली है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? तो बस यही कहना चाहूंगा कि ड्रीम किया था कि ये जॉब मिले, मैं रात को सोता था तो मुझे सपने आते थे कि मैं माइक के पीछे बैठ के शो कर रहा हूँ, तो वो तो फॉर्चुनेट इनफ अभी मैं देखता हूँ तो मेरे ऑफिस के जस्ट पड़ोस में एक बैंक है, तो मेरी उम्र के ही लड़के वो
नीली कलर की ड्रेस और ब्लैक कलर की ट्राउजर पहन के पूरा फॉर्मल आते हैं और इधर से हम ऐसे चाबी घुमाते हुए कूल तरीके से ऐसी मल्टी कलर टी शर्ट पहन के एंटर होते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा हाँ कि आपकी जॉब अच्छी है, तो वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर दिन आपकी जिंदगी में बहुत बेस्ट नहीं हो सकता, सुपर नहीं हो सकता, कभी कभी आप लो फील करते हो, तो उस दिन ये सारी चीजें बहुत अच्छा मोटिवेशन दे जाती हैं। कोई आपको मैसेज करके तारीफ देता है तो आपको लगता है बस इसीलिए तो मैं नौकरी कर रहा हूँ यार। ये आज जब आप बोलते हैं ना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, तो आरजे के लिए भी ऐसा होता है, बहुत कम लोग आपको शक्लो सूरत से जानते होंगे, वो आपकी आवाज से पहचान होंगे कि आरजे सारांश, और वो एक इमेज बना लेते हैं कि आरजे सारांश ऐसा दिखता होगा, ऐसा कभी ऐसा हुआ कि मिले और किसी ने बोला अच्छा आप हो क्या? नहीं, इस बात से मैं आपकी ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता अब इस जमाने में, क्योंकि जितने ज्यादा हम रेडियो पे है ना, उससे कई गुना ज्यादा हम सोशल मीडिया पे है। ये बात तो अभी ये एक चीज हो गई है। हाँ, ये है कि मुझे फोटोग्राफ्स में देखने के बाद लोग बोलते हैं कि हाँ आप हैंडसम हो, हैंडसम हो, हैंडसम हो, पर जब मिलते हैं तो बोलते हैं अरे सर यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। मैं 6 फीट का आदमी हूँ, अभी लॉकडाउन की वजह से 10 महीने से कोविड की वजह से जिम नहीं जा रहा हूँ मैं, तो आई एम थोड़ा सा वेट मेरा कुछ अजीब सा हो गया, शेप अजीब सा हुआ है, अदरवाइज आई वॉज अ गुड बल्की गाय जिसका प्रॉपर फिजिक था, तो देख के बोलते थे अरे सर आप तो, सर आप मूवी वूवी करो। मैंने कहा हर चीज इतनी आसान थोड़ी होती है, रियली आप कर सकते हो, रियली मैं रियली बोल रहा हूँ आपको कर सकते हो। और अब तो यूपी में फिल्म सिटी भी खुल रही है, योगी जी ने बोल दिया। जी बिल्कुल, तो देखते हैं कुछ हुआ अगर ऊपर वाला किस्मत में तो कोई नहीं रोक पाएगा, प्लस मेहनत अगर मैंने कर ली तो वेरी गुड, तो सिर्फ किस्मत से नहीं मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल सारांश जिस तरह से अपॉर्चुनिटी बढ़ रही, जैसे जो जॉब में आप हो या आज नए नए कलाकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एफएम रेडियो पे काम कर रहे, ये पहले अवेलेबल नहीं था, ये कितना अच्छा लगता है कलाकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज उनके पास मौके, अगर वो सही से तैयारी कर ले तो। मैं ये मानता हूँ कि एक जमाना हुआ करता था जब आप मुंबई जाते थे और वहां पे काम नहीं मिलता था स्ट्रगल करने के बाद भी, आज वो देखिए कि टर्नआउट रेशियो कितना है कि आप हर दूसरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब आप अक्रॉस, इफ यू कम अक्रॉस, तो आप देखते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी है, उसने एक वेब सीरीज की है, उसने किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ काम किया है, उसने मूवी में एक छोटा सा रोल किया है, उसने किसी गाने में वोकल दिए हैं, अब ना काम बहुत बढ़ गया है। और मीडिया में पोटेंशियली में मतलब मनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि वो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो भी है, तो बस आपको वो अपने स्किल्स जो है इतने निखार लेने हैं, अपने आप को इतना बढ़िया बनाना है कि लोगों को ना लगना चाहिए कि यार इस काम के लिए उसको बुलाओ, आपका नाम उनके दिमाग में रहना चाहिए, तो खुद के स्किल्स को इतना बेहतर करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान बेहतर कर ले तो वो फील करे कि मैं आई एम द बेस्ट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एवरी डे आई एम लर्निंग, मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। हमारे ऑफिस में इंटर्न्स आते हैं, ट्रस्ट मी वो छोटी उम्र के होते हैं मुझसे थोड़ी सी, वैसे मेरी भी उम्र काफी कम थी जब मैं रेडियो में आ गया था, तब भी मुझसे कुछ बड़े इंटर्न्स आते थे, कुछ छोटे इंटर्न्स आते थे, तो मैं उनसे सीखता था क्योंकि उनको ज्यादा पता होता था। जब टिकटॉक बहुत चल रहा था तब मैंने कहा अरे यार टिकटॉक क्या चीज है, तो एक लड़की हमारे यहाँ आई, उसे टिकटॉक बनाने शुरू किया, मैंने कहा यार ये सही चीज है, इससे सीखना पड़ेगा, कैसे कैसे कर लेते हो, क्या क्या कर लेते हो। देखिए हर चीज में अपनी कला है, टिकटॉक को हमने बहुत हंसी उड़ाई है, बट मेहनत तो थोड़ी तो है उसमें भी, मेहनत तो सब जगह थोड़ी मेहनत तो है भाई साहब, आप 3-4 बार रीटेक ले लो, मैं कह रहा हूँ इरिटेशन होने लग जाता है मुझसे नहीं हो पाता, मैं छोड़ देता रहा, मैं कहा मेरे से नहीं होगा ये, इतने रीटेक मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं 1 टेक आर्टिस्ट हूँ। तो आप आज अपने काम का मजा ले रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियली कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरजे में? देखिए ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सवाल है मैं ये कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इसमें, आप कौन से शहर में काम करते हैं वो मैटर करता है, आप बी ग्रेड सिटी, हम रेडियो में भी ग्रेड वाइज सिटीज डिवाइड करके रखते हैं, इफ यू हैव अ मेट्रो सिटी यू विल गेट अ गुड पे, आप बी ग्रेड सिटी में है तो आपका कम होगा, ए ग्रेड में है तो आपका थोड़ा और ठीक ठाक होगा। सो इंजीनियर्स में होता है ना कि वो एक प्राइवेट कॉलेज से निकला होता है इंजीनियर, उसका 1-80 भी पैकेज होता है, और एक IIT से निकला होता है इंजीनियर तो उसका 18 लाख भी पैकेज होता है, तो वो बहुत ज्यादा वैरी करता है, प्लस आपके नेगोशिएशन स्किल्स और आप कितने गजब के आर्टिस्ट हैं, आपके लिए कंपनी कितना पैसा खर्च कर सकती है, आपकी रीच कितनी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर आपको कोई कंपनी आगे से अप्रोच कर रही है तो शायद आपका अपर हैंड रहता है कि
कि मैं इतने ही पैकेज पे आऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपके यहाँ अप्लाई नहीं किया था बॉस, आप मुझे बुलाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। कुल मिलाके एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें अर्निंग वाइज? बिल्कुल एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, बट मैं साथ में ये भी कहूंगा कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और समय के साथ में अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं डे बाय डे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे रेडियो से प्यार था, जब मैं रेडियो में आया था तो सिर्फ रेडियो पे शो करने का सोचा करता था, मैंने ये सब बोलना था। अब हैंड जेस्चर, बॉडी, आपको ये सब भी चीजें ध्यान रखनी है, एक्टिंग स्किल्स पे भी ध्यान रखना है, कैमरा भी फेस करना है आपको। हमारे यहाँ पे डिजिटल टीम है पूरी जो कैमरा मेंटेन करती है, वो सब चीजें वीडियो शूट करती है प्रॉपर तरीके से, तो वो सारी चीजें भी आनी चाहिए। फिर उसके बाद में अब एक और नई चीज जुड़ने लगी है, पॉडकास्ट हो गए हैं, तो पॉडकास्टिंग हमने शुरू की है। रेड एफएम इंडिया का एप्लीकेशन है, तो उसपे पॉडकास्ट पोस्ट होते हैं हमारे, तो पॉडकास्ट बनाने होते हैं। अभी हम रेडियो पे जितना छोटा बोलते हैं उतना अच्छा होता है कहते हैं, पर पॉडकास्ट एक अलग चीज है, वहां पर हमें जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, जितने ज्यादा एपिसोड निकाल पाओगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक नई चीज है जिसको एडॉप्ट करने में आपको टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। अगर आपने टाइम लगाया तो आपके आसपास के जो पीयर ग्रुप है ना, वो बाजी मार जाएगा, या फिर अदर कॉम्पिटिशन ब्रांड्स आपसे बाजी मारेंगे, तो आपको बहुत उसके लिए अग्रेसिव रहना है अपने से। अगर आप अग्रेसिव नहीं रहेंगे तो आप अपने पीयर कॉम्पिटिशन में ही धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो अपने लिए खुद के लिए आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आरजे के बारे में सारांश सब कुछ बता ही रहे हैं कि कैसे होता है, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप जानना चाहता हूँ सारांश, अगर किसी को आरजे बनना है तो उसको कैसे प्रोसेस करना चाहिए? देखिए, आरजे बनने के दो तरीके होते हैं, ये समझने की जरूरत है। एक होता है इंटर्नशिप करना डायरेक्टली, एक होता है मास कॉम करके फिर इंटर्नशिप करना। तो मैंने चूज किया था डायरेक्ट इंटर्नशिप करना, क्योंकि मेरे पास में बीकॉम मैंने ऑलरेडी किया था, मैं चल रहा था मेरा बीकॉम जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। तो डायरेक्ट इंटर्नशिप करना मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहता है, आप डायरेक्ट इंटर्नशिप कीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक रेडियो स्टेशन में आने के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या काम होते हैं। मार्केट में काफी सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि बोलते हैं कि हम आपको रेडियो जॉकी बना देंगे, तो सॉरी टू से दिस, बट कि उनपे ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो आपको नहीं बता सकते कि रेडियो स्टेशन में किस तरह से काम होता है। हाँ, इसमें एक बात ये कि अगर आपको कोई वहां पे खुद एक आरजे पढ़ाने आता है तो शायद आपको इनसाइट बताएगा, पर जो प्रेशर आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में फील करते हो, जो काम आपके ऊपर आरजेस डालते हैं, उससे आप सोना बनते हो। इसलिए मुझे लगता है कि इंटर्नशिप जरूरी है, तो इंटर्नशिप भी पार्ट टाइम नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर हम 2 घंटे फ्री हैं, 4 घंटे फ्री हैं, इंटर्नशिप पे आ जाएं क्या? भाई हम भी 8-9 घंटे ऑफिस में बिताते हैं, काफी सारा काम करते हैं, तो आपको भी उतना टाइम देना होगा। तो 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, एंड ट्रस्ट मी कि 3 महीने में आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते हो, इतना सारा काम होता है। सो टाइम दीजिए खुद को, इंटर्नशिप कीजिए, और कोशिश कीजिए अपने रिज्यूमे एक अच्छा सा बनाइए, प्रेजेंटेबल रहिए, और कोशिश करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, क्योंकि रेडियो स्टेशन में अब इंटर्न्स की जरूरत थोड़ी कम होने लगी है, वो कम इंटर्न्स रखते हैं, पर अब कोशिश करते रहिए, एक दिन आपकी इंटर्नशिप लगेगी और वहीं से आपका करियर शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो आरजे एक तरह से दिखता है किसी को भी बड़ा कूल जॉब है, कूल तो है, लेकिन उसके साथ अलर्ट रहना जरूरी है, अपग्रेड रहना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है, ये सब भी उसके साथ होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस काम को इतना स्मूथली कर पाएंगे। क्योंकि जब हम रेडियो सुनते हैं गाड़ी में, बड़े आराम से लगता है यार ये कितना हंसते मुस्कुराते प्यार से बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरी तैयारी पूरी मेहनत होती है। बिल्कुल, तो ये तैयारी और मेहनत को हम लोग कहते हैं प्रेप शीट। अच्छा, तो एक अंग्रेजी में एक शीट बनाई जाती है, और मजे की बात देखिए कि शीट अंग्रेजी में होती है और शो हिंदी में होता है। तो वो प्रेप शीट बनाई जाती है, फिर वो शीट एक्सेल में होती है, उसमें लिखा होता है कि मैं पहली बार आऊंगा शो में, लिंक्स बोला जाता है, जो हम शो पे बोलते हैं उसे लिंक्स कहते हैं। तो पहले लिंक में मैं ये बोलूंगा, दूसरे लिंक में ये बोलूंगा, तीसरे में ये बोलूंगा, चौथे में ये बोलूंगा, अंग्रेजी में पॉइंटर लिखे होते हैं। फिर वो हम सुबह बॉस को भेजते हैं, फिर बॉस की तरफ से अप्रूवल आता है या फिर उसमें सजेशन आते हैं, फिर शो पे डिस्कशन होता है कि आज तुम शो में ये चेंज कर लो, ये ले लो, इसको कॉल कर लो, इस अथॉरिटी से बात कर लो, ये इस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो ये होती है पीछे की तैयारी, और इसके लिए लग जाता है पूरा दिन, और दुनिया को लगता है कि आरजे तो पार्ट टाइम जॉब है। सारांश, मेरी तो हमेशा से दिली तमन्ना ये रही कि हर कलाकार को उसका ड्यू मिले, उसको सफलता मिले, इसलिए जॉइंट फिल्म चैनल पे हम इस तरह के बातचीत करते हैं, जिससे कि नए जो लोग आना चाहते हैं वो डरे नहीं, बल्कि समझ जाएं कि कितनी जरूरी चीजें हैं सीखना, तैयारी करना और अच्छे से अप्रोच करना। फैसला भले ही जल्दी लें, लेकिन जल्दबाजी में ना लें, ये मेरी हमेशा से कोशिश होती है।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सारी नॉलेज मिली और हम दोनों में कुछ बातें कॉमन है। पहली ये कि मैं भी सीए की तैयारी कर रहा था कभी, और दूसरी ये कि मैंने भी रेडियो जॉकी का एक दिन काम किया रेडियो मिर्ची में, तो बड़ा मजा आया था, लेकिन क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना था तो मुझे वो क्विट करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन का मजा ही कुछ और होता है, और आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में बहुत बहुत सफलता पाएं, और एक दिन हम मिलकर शूटिंग भी करें, आप एक्टर भी बने, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो चलिए मेरा ऑडिशन यहाँ पे डन हो गया, एक काम पक्का है। थैंक यू सारांश, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, प्लेजर, थैंक यू सो मच। आई कैन आई विल जॉइन फिल्म समडे।